दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओप्पो F9 प्रो इस मोबाइल को किस तरह से आप अनलॉक कर सकते हैं अनलॉक टूल से और टेस्टिंग पॉइंट द्वारा। ठीक है, किस तरह से आपको टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करना है, कैसे आपको मोबाइल को बूट करना है और कैसे अनलॉक करना है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैं फिलहाल अभी एक कस्टमर के साथ में ऑनलाइन हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कस्टमर का कंप्यूटर है और पीछे जो है दिख रहा है वो मेरा कंप्यूटर है। ठीक है, अब हम इसे अनलॉक करेंगे किस तरह से वो आपको अभी दिखाएंगे वीडियो में, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ओप्पो पे क्लिक करना है। ओप्पो पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल का जो मॉडल का जो CPH है वो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, वो डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तरीका बता रहा है कि ये मोबाइल जो है टेस्टिंग पॉइंट द्वारा अनलॉक होगा। ठीक है, तो टेस्टिंग पॉइंट द्वारा अनलॉक कैसे करना है आपको और कैसे देखना है आपको कौन सा टेस्टिंग पॉइंट आपको जो है इसमें टच करना है ग्राउंड से। तो पहले आपको यहाँ टेस्टिंग पॉइंट पे क्लिक करना है। अनलॉक टूल में ये ऑप्शन है दिया हुआ है टेस्टिंग पॉइंट का। उसके बाद ओप्पो पे क्लिक करना है। ओप्पो पे क्लिक करेंगे, मॉडल सेलेक्ट कर लेना है आपको। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ओप्पो F9 प्रो है, इस पे क्लिक मारिएगा। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ग्राउंड से टच करना है। ठीक है, तो मोबाइल का जो है बैटरी निकाल देना है। ठीक है, उसके बाद फिर बैटरी लगा देना है और इस पॉइंट को ग्राउंड से टच करके रखना है और बाद में जो आपको केबल लगाना है मोबाइल आपका बूट करेगा। ठीक है, तो पहले आपको इस पॉइंट से जो तीर का निशान दिया हुआ है इस पॉइंट पे चिमटी से आपको ग्राउंड से टच करना है, टच कर देना है और केबल लगाना है। जैसे आपका मोबाइल बूट करेगा ये पॉइंट को आपको छोड़ देना है। तो चलिए अब हम आ गए हैं टूल पर और आपको दिखाते हैं यहाँ पे किस तरह से आपको अनलॉक करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद मोबाइल को बूट कराने के लिए करना क्या है, जैसे मैंने आपको चित्र में दिखाया था कि उस पॉइंट को टच करना है ग्राउंड से। ठीक है, जैसे ग्राउंड से टच करके आप केबल लगाओगे USB डाटा केबल लगाओगे वैसे ही मोबाइल आपका बूट कर जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं ये मोबाइल जो है बहुत ही आसानी से बूट कर चुका है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं भी ऑनलाइन हूं दूसरे कंप्यूटर में, ये किसी कस्टमर का कंप्यूटर है और मैं जो यहां से अनलॉक किया हूं इस मोबाइल को उसको मैंने तरीका बताया कि आपको ऐसे ऐसे करना है। उन्होंने मेरे बताए हुए तरीके से उन्होंने किया, टेस्टिंग पॉइंट को जो है ग्राउंड से टच किया और केबल लगाया और मोबाइल को बूट कराया, मोबाइल बूट कर गया और मोबाइल उसका फॉर्मेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप पिन पैटर्न FRP जो है निकाल सकते हैं अनलॉक टूल से। दोस्तों अगर आपको ये अनलॉक टूल खरीदना है तो आप जो है डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, डिस्प्ले पे मेरा नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।